अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लहजा मेरा ये कंप्लेंट है कि मेरा ये मंदी टोन है ना, मंदी टोन में जाके हमारे बच्चे लोग खाना खाए हैं। हमारे घर के लिए एक फंक्शन था, बल्कि ऐसा जाके खुशी से हमारे घर वाले सिद्दीपेट से भी आए थे लोग, जाके मंदी खाने से हमारे बच्चे इतने बीमार हो गए कि मंदी ऐसा खाने से कैसा होगा बोलो आप, मंदी खाने का। और मंदी एक्शन में हम जाके पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करे, कोई एक्शन नहीं लिया। और वहाँ जाके से अपने डीएसएमसी में आबिट्स में भी गए, आबिट्स में भी जाने के बाद में भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसको बोले तो उसको बोलो बोल रहे, और इसको बोले तो इसको बोलो बोल रहे। फिर सैफाबाद पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट किए, और वहीं मंदी टाउन में कंप्लेना तो बहुत है। मंदी टाउन का तो बहुत नाम बेकार है, और मंदी टाउन ऐसा है कि पूछो मत, खाने का तो बहुत प्रॉब्लम। हमारा आज भी मेरी बच्ची मेरी बीमार है, बच्ची मेरी बीमार है, आज भी वो मुश्किल में है। लिहाजा करके आप लोग कोशिश करके आप कैसा भी एक्शन लिए मंदी टोन में। मंदी टोन बहुत बेकार है, खाने से बहुत कंप्लेन आ रहे हैं उसके लिए। मेरे 10 फैमिली है, 10 फैमिली में मेरे बच्चे भी बीमार है, और सिद्दीपेट में भी हॉस्पिटल में अभी भी है। देखो जाके आप देख सकते हैं, बस में क्वारंटीन में भी हॉस्पिटल में, और बाहर के भी लोग हैं उसके भी मेरे पास फोटो तस्वीर है, और उनके फोन नंबर भी है। एडवोकेट भी आए थे, एडवोकेट भी लिख लेके कर लेके सेना वगैरह लेके चले गए उन्होंने। तो ये कैसा होंगे, आप बड़ी मेहरबानी होगी मीडिया से, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जल्द से जल्द इसका कार्रवाई करें, और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जाती करें। और मैं पुलिस स्टेशन में भी गया, तो मैं बोला मंदी टाउन में जाके मैं कंप्लेंट करूंगा, मैं वो करूंगा। तो पुलिस स्टेशन वाले सैफाबाद वाले बोले कि नहीं करना, हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे। आज तक ये 5-6 दिन हो गया, आज तक कोई एक्शन लिया ना, कोई लिया नहीं आज तक। ऐसा कैसा होगा बोला, खाली ऐसे मीडिया में ऐसी बात होगी तो जाके अगर कोई एक्शन तो लेना ना। पुलिस वाले भी क्या कर रहे, फिर पुलिस वाले उन लोग के ऊपर कुछ जास्ती तो करना ना पुलिस वाले। हम खुद बोले पुलिस वालों को, हम जाके हम उसके ऊपर वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे। बोलते नहीं जाना, आप कार्रवाई करो, हम लिख डालो, आप मैटर लिखो। मैटर लिख के दिए भी हम लोग। अभी कैसा बोला, मेरे बच्ची आज भी मेरे मोशन बच्ची के कम नहीं हो रहे। कितने दिन से अभी भी मेडिकल में वहाँ पे क्वारंटाइन हॉस्पिटल में बड़ा लहजा है कि आप मीडिया से गुजारिश है, इसके जख्त जख्त आप इसकी कार्रवाई कराएं। मेरे बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग की। सुने, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के जो है ना, हमारे बच्चे जो है यहाँ पर से मंदी खाने गए थे, मंदी टाउन खरताबाद डिवीज़न, वहाँ पर खाने की वजह से जो है ना फूड पॉइजन हुआ। के जो है ना, हम लोग हॉस्पिटल ले लेके गए बस्ती से जो है ना लेके गए बच्ची को हॉस्पिटल। 5-10 जने थे हम लोग के बच्चियाँ, और बच्चा 2-3 बच्चे थे हमारे। उन लोग जाके खाए करे, और जो है पुलिस कंप्लेंट करे हम लोग। पुलिस कंप्लेंट करे बाद जो है ना सैफाबाद वो पुलिस स्टेशन में गए, तो वहाँ पर बोले कि जो है ना बल्दिया ऑफिस जाइए, आप लोग फूड पॉइजन हो गया। उसमें गए तो हम लोग, मैडम बोले कि हमको 10 डेज के बाद जो है ना फूड पॉइजन का जो है ना रिपोर्ट आता है, वहाँ पर से हम कुछ एक्शन ले सकते, ये बोल के बताए। अभी तक हमको ये भरोसा नहीं आया कि हमको के वहाँ पर एक्शन लिए या नहीं लिए, हमको ये पता नहीं चला क्या कर रही है आखिर जो है ना बल्दिया। ये हर होटल में जो है ना ऐसे हर वो चीज़ से जो है ना हो रहा है। कोई लोग मर जा रहे, कोई लोग जो है ना ये हो जा रहे हैं पूरा फैजन से। हमारी बच्ची जो है ना एक नीलोफर में है अभी, वो एकदम सीरियस है, अभी तक रिकवर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि हर जगह जो है ना एक्शन लिया जाए। बस मीडिया के जरिए से ये बता रहा हूँ कि बस मैं कहीं भी आप लोगों का फूड मत खाइए भाइयों, बस यही चाहता हूँ कि जो है ना देख समझ के खाइए बस। होटल का नाम क्या? होटल का जो है ना फूड मंदी टाउन है, फूड मंदी टाउन है अपने खरताबाद के साइड में, जो है ना पेट्रोल पंप के साइड में आता है वो। तो भाई जितने जन है पूरे फूड फूड पूरे जो है ना एडमिट है, पूरे पूरे एडमिट जी हो। बाहर के भी वहीं पर ही है, शादन के शादन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। कितने घंटे बाद से आप? इवनिंग जो है ना फजर से जो है ना चालू हुआ, ये फजर से जो है चालू हुआ कि जो है ना अब तक जो है ना रिकवर नहीं हुए, अभी तक 5 डेज हो गए। डॉक्टर यही बता रहे कि जो है ना होएगा, ये बोल के बता रहे, अभी तक जो है ना कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अभी तक पुलिस वाले मंदी कुछ भी नहीं करे, पुलिस वाले कुछ भी नहीं करे अभी तक, और ना बल्दिया वाले वहां पर गए, हमको तो भरोसा ही नहीं। जी हाँ जी हाँ, हमारे जो है ना पुलिस यहाँ के जो कमिश्नर है, फूड सेफ्टी कमिश्नर से गुजारिश है, हमारी सीएम साहब से भी गुजारिश है कि जो है ना साहब इस तरीके से अगरचे होटल्स के ऊपर में जो हमारी जो गलती हो गई है, हम होटल पे बच्चों को लेके गए तो लेके जाके खिलाने के बाद में हमको पछतावा हो रहा है,
तो आप मेहरबानी करें हमारे लिए जो है ना, ये आम पब्लिक के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से फुल एक्शन लें आप, और जो है ना हमारी क्या गलती हो गई क्या बताइए। हम जो बच्चों को लेके गए, कौन सी ये मंदिर टाउन बोल के जो है ना एक होटल है, बच्चों को खरताबाद पे जो है ना मंदिर टाउन है वहाँ पे लेके गए थे, वहाँ पे लेके गए थे जो 10 मेंबर जो है फैमिली मेंबर है, और फैमिली मेंबर पूरे परेशान है, 10 आदमी के पूरों को जो है ना फूड पॉइजन होके जो है ना पूरे हॉस्पिटल में, जो कुछ लोग सिद्धिपेट से भी आए हुए थे हमारे पास गेस्ट थे, उनको खिलाने के लिए लेके गए थे, वो भी बेचारे परेशान वहाँ पे रास्ते में सब परेशान हो गए। तो बहरहाल जो है उसमें तीन बच्चे हैं और 5 आदमी जो है ना बड़े हैं, बच्चों की भी तबीयत खराब, पूरे बच्चे आज अभी भी हॉस्पिटल में है, एक नीलोफोर में है, एक क्वारंटी में है, जो बड़े हैं जो 5 दिन के अंदर रिकवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बच्चे अभी भी जो है ना इन्फेक्शन ज्यादा होने की वजह से वो लोग जो है ना वहाँ पर है। ये हमारी जो है ना आप लोगों से भी मीडिया से भी तमाम मीडिया से हमारी गुजारिश है कि जो है ना आप लोग जो है ना ये चीज पे थोड़ा सा तवज्जो दे, बराए करम मेहरबानी आप लोगों से अदबन गुजारिश है हमारी कि जो है ना ये चीज़ों पे थोड़ा सा तवज्जो दें।